नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक एकड़ में सरसों की खेती की पूरी जानकारी, जिसमें अपन 5 पॉइंट के आधार पर बात करने वाले, लागत, उत्पादन, आमदनी, समय और मुनाफा। तो ये अपन 5 पॉइंट के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सरसों की खेती हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। इसके लिए अपने को बलुई दोमट मिट्टी रही तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जल भरा वाली मिट्टी में सरसों होता है, पर उत्पादन उतना खास नहीं होता। इसलिए ध्यान दें कि बलुई दोमट मिट्टी में ही सरसों की खेती करो। सरसों की खेती हर जगह, हर क्षेत्र में की जाती है, पर सबसे ज़्यादा राजस्थान नंबर 1 प्रोडक्शन पे रहता है। राजस्थानी 46% मस्टर्ड सरसों प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, लागत। ये एकड़ सरसों में कितनी लागत आती है? एक एकड़ सरसों में सरसों खेती करने के लिए अपने को 1.5 से 2 किलो बीज लगता है। समझे, 1.5 से 2 किलो अपने को बीज लगता है। चलो अपन मान के चलते 2 किलो अपने को पर एकड़ में बीज लगता है। अगर अपन पॉइनर कंपनी की सीड्स लेते हैं तो अपने को 1 किलो 900 रुपये की मिलती है। तो अपने को 2 किलो लगेंगी, यानी अपना सीड का खर्चा हुआ 1800 रुपये। इस तरह हमारा एक एकड़ बीज का खर्चा आएगा 1800 रुपये। 80 से 90% किसान भाई सरसों का रोपाई जो करते हैं, बुआई जो करते हैं, वो छिड़काव पद्धति से करते हैं। और जो 20% जो लोग रहते हैं, जो किसान भाई रहते हैं अपने, वो मशीन के थ्रू बुआई करते हैं। रासायनिक का खाद का खर्चा अपन पकड़े तो 1900 रुपये आएगा। अपन ने इसमें गोबर खाद वगैरह का खर्चा ऐड नहीं किया है। अपन रासायनिक खाद जो रहते हैं वो कब कब डाल सकते हैं, जैसे बुआई के पहले या बुआई के बाद अपन रासायनिक जो खाद रहते हैं वो अपन डाल सकते हैं। खेत की तैयारी करने का खर्चा अपने को 2500 रुपये आएगा। सरसों की फसल को रोग और कीट से बचाने के लिए अपने को स्प्रे करना पड़ेगा, जिसका अपने को खर्चा आएगा 500 रुपये। फसल को हार्वेस्टिंग करने के लिए खर्चा आएगा 1500 रुपये, जिसमें अपन हार्वेस्टिंग मशीन बुला सकते हैं या लेबर की कॉस्ट जो रहती है अपने को 1500 रुपये आएंगी। खेत से मंडी तक ले जाने का अपने को खर्चा आएगा 1500 रुपये। अब जरूरी नहीं है कि 1500 रुपये ही आएगा। आपका क्षेत्र कैसा है, आपका खेती से मंडी कितना दूर है, आपके क्षेत्र के, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आएगा। इन सब खर्चे को जोड़कर अपना खर्चा बनता है 9700 रुपये पर एकड़। सरसों की खेती की लागत 8000 से 10000 की बीच रहती है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, प्रोडक्शन के ऊपर। एक एकड़ सरसों की खेती से अपना मिनिमम 8 क्विंटल से मैक्सिमम 12 क्विंटल तक होती है पर एकड़ में। तो हम मान के चलते हैं कि 10 क्विंटल अपने को एक एकड़ में हुआ। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, टाइम। एक एकड़ सरसों की खेती करने अपने को कितना टाइम लगता है? सरसों की खेती अपन 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में के बाद अंकुरित हो जाते हैं सरसों के बीज। 40 से 50 दिन बाद फूल आता है। वह सरसों की फसल 120 से 135 दिन की होती है। तो हार्वेस्टिंग के लिए अपनी फसल 135 दिन में तैयार हो जाती है, यानी एक एकड़ सरसों के लिए समय साइकिल अपने को 120 से 135 दिन का लगता है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, अपने को एक एकड़ सरसों की खेती में कितनी आमदनी होती है? भारत सरकार सरसों की MSP रखी है 5500। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारा उत्पादन हुआ था 10 क्विंटल, 1 क्विंटल का अपना रेट है 5500 रुपये, 5050 रुपये।
पर क्विंटल। वैसे अपन मल्टीप्लाई किए 10 क्विंटल मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5,050 रुपये, यानी अपना टोटल हुआ 50,500 रुपये। एक एकड़ की सरसों की हमारी आमदनी हुई 50,500। अब अपन आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, प्रॉफिट। अपने को एक एकड़ खेती सरसों में कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कुल आमदनी से अपने को लागत को घटाना पड़ेगा। हमारी आमदनी हुई थी 50,500 और हमारी लागत हुई थी 9,700। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ पूरा टोटल 40,800। तो अपने को एक एकड़ सरसों की खेती में अपने को नेट प्रॉफिट हुआ 40,800। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।